हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिया भारद्वाज। सो आज का जो टॉपिक लाई हूँ मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, शायद सभी के लिए। आज का टॉपिक है एसएससी। मैं एसएससी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। सो वीडियो आप पूरी देखिएगा और ये सभी के लिए बेनिफिट रहेगी ये वीडियो, तो आप वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, wonderprincess2307। तो वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना प्रीव्यू देना चाहती हूँ अबाउट एसएससी। मैंने अभी रिसेंटली एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, नंदग्राम गाज़ियाबाद में। इसका सेंटर बहुत ज़्यादा दूर पड़ा था, मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पे, नई दिल्ली पे पड़ा था, इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल पे। गवर्नमेंट एग्ज़ाम वैसे सारे ही दूर पड़ते हैं। तो मेरा तो सेकंड शिफ्ट थी 12 बजे से 1 बजे तक, मैं 9 बजे वहीं पहुंच गई थी। सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप जो ले जाना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, वहाँ पे एडमिट कार्ड तो बहुत ज़रूरी है, तो आपको पता ही होगा। उसके साथ एक कोविड फॉर्म भी मिलता है, उसको पूरा फिल करके वहाँ ले जाना है, विदाउट उसके एंट्री नहीं होगी, आप पहले से ही फिल कर लीजिएगा। और सेकंड चीज़, कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसका जो डाटा है वो एडमिट कार्ड में वही डाटा होना चाहिए। और थर्ड चीज़ एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, कलरफुल वाली, जो एडमिट कार्ड पे लगाई है वही हो तो ज़्यादा अच्छा हो, कोई और हो तो कोई बात नहीं, बट वो हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो चीज़ नहीं ले जानी है वो ध्यान से सुन लीजिए, स्पेशली गर्ल्स। सबसे पहले तो जो चीज़ नहीं ले जानी है वो है पेन, वहाँ नहीं ले जाना है। और कोई भी वॉच वगैरह हाथ में कुछ भी नहीं ले जाना है। और क्या बोलते हैं, कोई वाटर बॉटल नहीं ले जानी है, वहाँ पे अंदर पानी आपको मिल जाए। गर्ल्स के लिए कोई मतलब आप नॉर्मल पोनी चोटी करें तो बेटर रहेगा आपके लिए, वहाँ क्योंकि क्लेचर निकलवा देते हैं, कोई भी चिमटी लगाओ वो निकलवा देते हैं। एयरिंग नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप निकाल दो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैंने, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दिया है, मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, मैंने एयरिंग वगैरह पहनती, मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सब चीज़ें, कि बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होगी, मतलब स्पेशली फॉर गर्ल्स। मैंने एयरिंग वगैरह नेक में पहना हुआ था, सब उतरवा दिया, और नोज़ में भी मेरे मतलब पहनती हूँ मैं, तो मैं जब अंदर गई थी तो मेरे नोज़ के जो नोज़ रिंग है उसमें टेप लगा दी थी, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा था यार, मतलब टेप लगा दी इसमें, क्योंकि जल्दी ये सब निकालते नहीं है। मैं तो गोल्ड की पहनती हूँ मोस्टली, सभी गोल्ड की पहनते हूँ, इसलिए जल्दी निकालते नहीं है ये सब चीज़ें। तो आप घर पे हो सके तो आप घर पे ही मतलब उतार के जाइए ये सब चीज़ें, ताकि आपको ऑकवर्ड फील ना हो वहाँ पर। तो होपफुल आपको ये सब इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अभी तो अगस्त में SSC CSHL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट मंथ SSC CGL के होंगे, फिर उससे नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर में SSC MTS का होगा। मैं तब भी वही MTS का दूंगी एग्ज़ाम। वैसे तो सभी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये बेनिफिट है, स्पेशली नोट SSC। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें फॉलो करो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप होपलेस फील नहीं करेंगे वहाँ जाके, ये सब चीज़ें आपको पता नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाई है, कि मैंने जो चीज़ें फेस की अभी, मतलब जो भी इतने फेस नहीं की बट जो भी किया है, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी ये सब चीज़ें। ये जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको पता रहनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो होपफुल ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके, जिसको नहीं पता है ये सब चीज़ें उनके लिए बेनिफिट रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।